माय मराठी माय बोलीचं महा चॅनल मोबाईल चालू करू बात करणे की आपले कोण किस्से हे करणे का बोला ना बोला ना जमियते उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहब की जानिब से ये रैली निकाली गई है, आप क्या कहेंगे? आज जमियत उलमा हिंद अहमदपुर की तरफ से ये तिरंगा रैली निकाली गई है और इस रैली के जरिए से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन, चैन, सुकून, भाईचारे के पैगाम देते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान हमारे से अमन का गहवारा है और तमाम जमीयत की तरफ से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन चाहते हैं। ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारा इत्तेहाद, ये इत्तेफाक, ये रैली, ये हमारे हिंदुस्तान की शान, आन और बान है, ये हमारा जज्बा है। हम वक्त के हाकिमों से भी और यहाँ के हमारे वज़ीर आज़म से भी हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से हो सके अमन और चैन, सुकून और हर भारतीय का अपना हक उसको दिया जाए और हमारे शहर और हमारे मुल्क में अमन और चैन सुकून है, ये जमीयत उलमा की तरफ से हमारा आदेश है। शहरातील नगर परिषद से रहीम खान पटेल, आज ये पूरे देश के अंदर हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज जमीयत उलमा हिंद की तरफ से अहमदपुर शहर में भी एक जमीयत उलमा हिंद की तरफ से मार्च निकाला गया। इसके अंदर तमाम अहमदपुर के मुस्लिम नौजवान, उलमा इकराम, हाफिज आलिम, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय सभी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और इस रैली के जरिए से एक पैगाम हम देशवासियों को देना चाहते हैं कि जो आज देश के हालात, जो अलग अलग जाति पंथों में आज बंटवारा हो रहा है, इसके माध्यम से हम एक एकता की मिसाल देना चाहते हैं और अमन, सुकून, भाईचारे का पैगाम देना चाहते हैं और उम्मीद है इसके तौर सभी राज्य के पुढ़ारी ध्यान देंगे और इस मौके पर सभी को मैं अमृत महोत्सव की पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। तो देखिए, एक जहती का एक बेमिसाल हम महाराष्ट्र के लातूर ज़िले के अहमदपुर शहर में हैं और यहाँ पर मुस्लिम भाइयों की तरफ से स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर, सालगिरह पर ये तिरंगा रैली पूरे शहर से निकाली गई है। बहुत ही खूबसूरत ये रैली, पूरे शहर को तिरंगा बना दिया है इस रैली ने। इस रैली में मुस्लिम हमारे भाई, स्टूडेंट, बड़े बुजुर्ग सभी शामिल हो गए और एक जहती का मिसाल बनती हुई है रैली, एक देशभक्ति का जज्बा लेकर चल रहे हैं। हमारे देश में हर शहर गांव में बस यही माहौल होना चाहिए। हाथ करो ना, अमृत महोत्सव लाएंगे। तो ये बहुत ही शानदार दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है शहर अहमदपुर में। भारत के हर गांव कस्बे में यही माहौल होना चाहिए, हमारा देश महासत्ता बनना चाहिए, यही ख्वाहिश करते हुए मैं यहीं पर रुकता हूँ। जय हिंद।